भाई। नहीं मैं बता दो ना तुमको, मैं पहले से कर दो नीना टाटे जी फोटो निकालना। ये सब पहले पीछे से दूर से देखो, दूर से देखो, भीड़ बड़ा कर दो। जय श्री किशोर जाधव। जय श्री घुमा चलो बोल रहे थे कि जय श्री किशोर जाधव। मैम इधर देखो साइन कर दो। नाम क्या है? मेरा नाम जूलिया फर्नांडिस है, जूलिया लॉरेंस फर्नांडिस। जो आप सामाजिक कार्य करती है उसको आपके जो काम करते हैं आप उसको आपको आवड या इसको जो बोलते चाहते तो ये किस तरह से है, क्या कहना चाहते? मुझे बचपन से ही शौक था सामाजिक काम का और मैंने अक्सर मदर टेरेसा को फॉलो किया है। ये सब में मुझे नोबल कॉज करने की बचपन से चाहती, मेरे मॉम डैड भी वैसे ही थे और मदर टेरेसा के बहुत यू कैन से फैन फॉलोइंग्स हूँ मैं। तो मुझे आदर्श कौन कौन से हैं, कौन है आपके आदर्श के कारण आपने ये सब कुछ करने की आपकी चाहत है? मैं वही बता रही हूँ ना, मैं क्रिश्चियन फैमिली को बिलोंग करती हूँ पहली बात तो मैंने मदर टेरेसा को भी ये सब करते हुए देखा है, प्लस एक होली फैमिली से बिलोंग करते हुए मैंने मेरे फादर को भी देखा है बचपन से। वो भी बहुत हेल्पफुल थे, लोगों को मदद करना, लोगों की सेवा करना, इन सब में वो बहुत थे। जो आपकी संस्था है उसके मार्फत आप कौन कौन से कार्य करते हैं? इसमें हम जिसके पास पैसे नहीं होते शादी करवाने के लिए तो उनकी शादी करवाते हैं और फ्री राशनिंग देते हैं। एवरी मंथ हम 40 फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं आज की तारीख में, और हम मैं चाहती हूँ कि हम ज़्यादा भी सपोर्ट करें, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने फंड्स में से सिर्फ 40 फैमिली को फ़िलहाल सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन और भी करती हूँ, जैसे किसी अनाथ आश्रम में कपड़े दान देना, अनाज दान देना, या फिर किसी की शादी करवाना, किसी का मेडिकल में कुछ पैसे की कमी हो रही है ऑपरेशन वगैरह के लिए तो वो भी हम लोग करवाते हैं। साथ ही साथ किसी के एडुकेशन में हेल्प करना है तो वो भी करवाते, किसी की फ़ीस भरनी है तो वो भी, अगर कोई सामने से आता है अप्रोच करता है मुझे तो मैं उसके लिए भी आगे फॉरवर्ड करती हूँ। तो ये जो सामाजिक कार्य आप करते हैं इसमें करते हुए आपको कुछ नुकसान भी होता होगा? हाँ, मुझे नुकसान हुआ है रिसेंटली। में रिसेंट क्या, मेरे को 2017 से नुकसान हुआ था, लेकिन उस टाइम मैंने इतना नहीं सोचा इस बारे में, लेकिन अब जो हुआ उसकी वजह से मुझे सोचना पड़ा। मुझ पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं, झूठे क्या बोलते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है पुलिस वालों की तरफ से, तो वो सरासर बेबुनियाद है। एक्चुअली प्रूफ हो चुका है कोर्ट में कि जो भी उन्होंने मुझ पे एलिगेशंस लगाए वो बेबुनियाद है। जो आपका उद्देश्य है कि आश्रम ग्रहण नहीं होना चाहिए, इसके आप ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आश्रम नहीं होना चाहिए, मेरा बेसिकली बोलना ये है कि 9,500 फैमिली वेटिंग में है और 1,500 बच्चे हैं, तो हम किस बात का वेट कर रहे हैं? हम बच्चे क्यों पाल रहे हैं, अनाथ आश्रम में क्यों पाल रहे हैं? जब पेरेंट्स वेटिंग में हैं तो आप दे के हटा दीजिए, आप अनाथ आश्रम क्यों खोल के बैठना चाहते हो? मेरा ये बोलने का मतलब है।
मैं अगेंस्ट नहीं हूँ अनाथ आश्रम के। हाँ, अगर कोई बच्चा अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास भी नहीं रहना चाहता है और बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास भी नहीं रहना चाहता है, वो अनाथ आश्रम में रहे, वेल एंड गुड है। लेकिन हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी है बच्चों को एक अच्छा भरा पूरा परिवार दे सके, तो हम क्यों नहीं दे रहे, मेरा ये बोलने का मतलब है। इस तरह से आपने अभी तक कितने बच्चों को, अभी तक अभी तक मैंने 7 to 8 फैमिलीज़ में और अच्छा वेल टू डू फैमिलीज़ में बेबीज़ दिए हैं, और बाकायदा पूरा कोर्ट सेशन कोर्ट के थ्रू विद कोर्ट ऑर्डर दिया है। ये काम करते हुए आपको कुछ साल या कुछ महीने के लिए कारागृह में रहना पड़ा, क्या कहना चाहिए? मुझे एक महीने के लिए जेल हुई थी, टिल द टाइम सब चल रहा था, हमारा जो कोर्ट प्रोसीजर चल रहा था बेल के लिए, उस टाइम बहुत हार्ड टाइम था। मैं देखो, मैं खुद एक मदर हूँ, मुझे भी 2 बच्चे हैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का गोद भरते भरते मुझे नुकसान हो जाए, मेरी गोद उजड़ जाए, ऐसा कोई माँ नहीं चाहेगी। मैं खुद एक माँ हूँ तो मैं जानती हूँ बच्चे के साथ कितने सेंसिटिव चीज़ें जुड़ती है, ठीक है। और जो एलिगेशंस मुझ पे लगाया चाइल्ड ट्रैफिकिंग, दैट वाज वेरी बैड फॉर मी, मेरे हिसाब से तो वो लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी लगा दिया। और देखो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, मैंने कोई बच्चे को एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया, वो बच्चे अडॉप्ट करवाए थे, एडॉप्शन में यूज़ हुए थे, यूज़ हुए मीन्स मैंने कोई अच्छी फैमिली दी है वो बच्चों को। मैंने कहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये वर्ड ही बहुत गलत है जो मेरे ऊपर लगाया गया, मैं कोई माफिया या कोई बैगर माफिया या वो बच्चों का कुछ अंग शोषण या ऑर्गन ट्रैफिकिंग ऐसे नहीं किया था, मैंने वो बच्चे अच्छी फैमिली में दिया था। तो अगर किसी का अच्छा करना, किसी का भला करना गुनाह है, तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकती, बट कोर्ट हैज़ प्रूव दैट मैंने अडॉप्शन करवाया था, आई वॉज नॉट अ ट्रैफिकर। आपको क्या लगता है किस तरह से आपको अच्छा ये काम कर रहे हैं, किस तरह से आपको अगर मुझे अच्छी फैमिली में दिया था, तो अगर किसी का अच्छा करना, किसी का भला करना गुनाह है, तो फिर मैं कुछ बोल नहीं सकती, बट कोर्ट हैज़ प्रूव दैट मैंने अडॉप्शन करवाया था, आई वॉज नॉट अ ट्रैफिकर। आपको क्या लगता है किस तरह से आपको अच्छा ये काम कर रहे हैं, किस तरह से आपको रोका जा रहा है? और मुझे ऑब्वियसली रोका गया इस बार, क्योंकि मैं सिर्फ अरेस्ट हुई थी SS ब्रांच से, लेकिन हम मेरा है ना 2 जगह ताबा घुमाया गया, जहाँ पे मेरा कोई क्लू ही नहीं था, 2 जगह ऐसे ज़बरदस्ती मेरा नाम डाला गया, जबकि मेरा रोल नहीं उस केस में कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ एक पर्सन को जानती थी, और मेरे जैसे बहुत सारे बेगुनाह फंसे हुए। मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हमें नहीं पता होता है कि किसके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, लड़का हो रहा है या लड़की हो रहा है, देने वाला भी हमारे पास आता है, लेने वाला भी हमारे पास आता है, हम किसी के पास नहीं जा रहे। अगर गवर्नमेंट इतनी सक्षम है, अनाथ आश्रम इतने सक्षम है, तो हम क्यों, हमारे पास क्यों आ रहे हैं, ये दोनों फैमिलीज़ हमें क्यों ढूंढते हुए आते हैं, ये मेरे को बोलना है। और हम दोनों के बीच में, इन दोनों को कुछ नहीं होता है, ये गरीब फैमिली है ये छूट जाती है, या अमीर फैमिली है ये भी छूट जाती है, मेन जो मीडिएटर होता है ना उसी को चाइल्ड ट्रैफिकर बताया जाता है। और इसमें मैं अकेली नहीं हूँ, मैं बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं ऑल ओवर इंडिया जिसके ऊपर ये एलिगेशंस लगाया हुआ है, तो उन सब की तरफ से मैं एक ये आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी बच्चे को अच्छा घर दे रहे हैं, अगर हम इस चीज़ में सक्षम हैं तो हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज़ बनिए, ना कि हमें रॉन्ग बताते हुए हमारी आवाज़ दबा दो। कल को कोई भी अच्छा काम करने के लिए ना कोई खड़ा नहीं होगा, मैं ये जानती हूँ, अगर हमारे ऊपर यही एलिगेशंस लगते रहे और अगर हमारे पे यही दबाव होता रहा, तो कोई भी अच्छा काम करने के लिए समाज में खड़ा नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है आप पे आपका कार्य चालू रखेंगे और जो संघर्ष आएंगे उनका सामना तटके करेंगे, क्या? मैं चाहती हूँ कि मैं वो कार्य चालू रखूँ, क्योंकि मैं, मेरी मॉम वगैरह और मेरे जो शुभचिंतक है वो सब यही बोलते हैं, अगर हम मैंने स्टॉप किया तो वो जो पुलिस ने मेरे पे एलिगेशंस लगाया है वो सही हो जाएगा। इट इज़ बेटर कि मैं जो कार्य कर रही हूँ कोर्ट के थ्रू,
बिन प्रोफेशनल जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ मैं उसी तरह वापस से करती रहूँ। अगर कोई मेरे पास फैमिली मदद के लिए आती है सामने से तो मैं उनको आज भी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगी। अगर मेरे पास कोई फैमिली आ गई तो मैं करूँगी।